हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2017 टीयर वन का सेट 38, और ये पेपर हुआ था 22/8/2017 को मॉर्निंग शिफ्ट में। तो ये रियल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, सीजीएल टीयर वन यानी प्री के ये क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इन इन क्वेश्चंस की मदद से आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी में, पर्टिकुलरली सीजीएल में, और किस तरीके से इनको अप्रोच आपको करना है। देखिए, यहाँ पर एक ये स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, और स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस को यदि आप एक्यूरेटली सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए सही टेक्निक ये है कि पार्ट बाई पार्ट इसको आपको पढ़ना है, और पार्ट बाई पार्ट जब आप पढ़ते हुए जाते हैं तो जो गलत पाथ होता है, जो इरोनियस पाथ होता है, वो अपने आप ही सामने निकल के आ जाता है, या आपको एक हल्का सा आइडिया लग जाता है कि कहाँ पर गलती हो सकती है। जैसे यहाँ से हम देखते हैं, ही टर्न्ड एंड वॉक द वे, वह मुड़ा और वहाँ से दूर चला गया। ठीक है, अब ये जो अवे है ये वॉक के साथ लगा हुआ है, यानी वॉक इसमें एक वर्ब है, तो इसलिए अवे को हम क्या मानेंगे, अवे यहाँ पर माना जाएगा एडवर्ब। ठीक है, अब यहाँ तक तो ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। और उसके बाद इसमें लिखा है हिज हैड नियरली, नियरली का मतलब होता है ऑलमोस्ट, लगभग। हिज हैड नियरली अ फुट अप द अदर्स, मतलब वो मुड़ा और वहाँ से चला गया, और उसका जो हैड था, उसका जो सिर था, वो दूसरे लोगों से 1 फुट ऊपर था। यानी इस फ्रेज के थ्रू उसकी हम विशेषता बता रहे हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस है, और उस सेंटेंस में आखिरी में हमने एक फ्रेज दिया है जिसके थ्रू हम उसको, उसका अपीयरेंस बता रहे हैं। तो हिज हैड नियरली अ फुट अबव द अदर्स। अब यहां पर अदर्स जो है ये नाउन या प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो नाउन या प्रोनाउन को कंट्रोल कौन करता है? नाउन या प्रोनाउन को कंट्रोल करता है प्रपोजिशन, लेकिन यहां पर दिया है अप। अप होता है एक एडवर्ब, जैसे गोइंग अप, तो गोइंग अप में अप, अप गोइंग के साथ लगा है, तो इसलिए अप एक एडवर्ब की तरह काम करता है, लेकिन यहां पर आपको एक प्रपोजिशन चाहिए। तो यहां पर आप बोल सकते हैं हिज हैड नियरली अ फुट अबव द अदर्स, तो अप यहां पर ये गलत है, इसके स्थान पर आप अबव बोल सकते हैं, उससे ऊपर था, उसका सिर जो था वो दूसरे लोगों से 1 फुट ऊपर था। तो सी यहां पर आपका इसका सही आंसर होगा। आप देख सकते हैं आप किस तरह की ये मिस्टेक है, मतलब काफी माइन्यूट सी मिस्टेक है, और सेंटेंस को काफी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही पार्क द कार, पार्क मतलब वहां पर कार को उसने लगाया, ही पार्क द कार, फ्रंट ऑफ नहीं होता, एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ होता है, तो यहीं पर इसमें गलती है। फ्रंट ऑफ द हाउस, उसने हाउस के सामने उस कार को लगाया, एंड हेडेड, मतलब हेडेड का मतलब होता है किसी डायरेक्शन में जाना, प्रोग्रेस करने को भी हम हेड बोलते हैं। जैसे यदि मैं बोलूं कि यू आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन, मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या प्रोग्रेस कर रहे हो, तो हेड का मतलब होता है उस दिशा में जाना। तो हेडेड डाउन द स्ट्रीट, डाउन द स्ट्रीट मतलब स्ट्रीट के पास, नियर द स्ट्रीट, डाउन द स्ट्रीट मतलब नियर द स्ट्रीट। तो बाकी सब तो इसमें सही है, केवल ये जो फ्रेज है, ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज है, इन फ्रंट ऑफ, ये होता है इन फ्रंट ऑफ, फ्रंट ऑफ नहीं होता, ये गलत है। तो यहां पर आपका आंसर होगा बी। ये फिलर्स के क्वेश्चंस हैं, और इसको हम देखते हैं, एट द मीटिंग द स्कूल काउंसलर विल मी ऑन सम ऑफ माय करियर ऑप्शंस, मतलब स्कूल मीटिंग में जो काउंसलर है वो मुझे क्या करेगी। अब यहां पर आपको विल के साथ क्या आता है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहां पर आपको वी वन चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब काउंसलर नॉर्मली क्या करती है, काउंसलर एडवाइस करती है। अब एडवाइस में भी दो वर्ड होते हैं, एक ए डी वी आई सी ई और एक ए डी वी आई एस ई। ए डी वी आई सी ई नाउन फॉर्म है, ए डी वी आई एस ई वर्ब फॉर्म है, यहां पर आपको वर्ब फॉर्म चाहिए, तो यहां पर एडवाइस सही आपका आंसर होगा। यदि इसमें ए डी वी आई सी ई दिया होता तो वो गलत होता। ठीक है, ए डी वी आई एस ही इसमें आएगा, और काउंसलर जो करती है वो एडवाइस करती है आपको। ठीक है, तो इसलिए स्पीक से और लिसन, ये तीनों यहां पर गलत होंगे। एडवाइस करते हैं हम किसी व्यक्ति को किसी चीज के ऊपर, तो यहां पर हो जाएगा काउंसलर विल एडवाइस मी ऑन समथिंग, ये ऑन सही है यहां पर, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा एडवाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स एंजॉय प्लेइंग विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है,
देखिए यहाँ पर इंजॉय लगा हुआ है, वर्ब लगी हुई है, और इंजॉय जो वर्ब है इसके साथ हम हमेशा वर्ब की एनजी फॉर्म लगाते हैं, जेरेंड फॉर्म लगाते हैं, जैसे इंजॉय है और अवॉइड है, इन दोनों के साथ हम वर्ब की एनजी फॉर्म लगाते हैं। अब देखिए इसमें करना क्या है, यहाँ पर दिया है बॉयज़ एंड गर्ल, यानी ये सब्जेक्ट है, ये है वर्ब, और ये है इसका, ये है यहाँ पर प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट है, बॉयज़ एंड गर्ल्स इंजॉय प्लेइंग विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही इंजॉय करते हैं, क्या इंजॉय करते हैं, प्लेइंग विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ खेलना वो पसंद करते हैं, इसको एंजॉय करते हैं। तो सेंटेंस पूरा है, तो यहाँ पर किसी भी वर्ब को हटाने की जरूरत नहीं है। यदि आप डिसलाइक लगाते हैं तो ये डबल वर्ब हो जाएगी, एंजॉय पहले से एक वर्ब लगी हुई है इसमें, और इंजॉय के साथ जब आप दूसरी वर्ब लगाते हैं, जैसे कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिसमें आप 2+V1 जोड़ते हैं, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें आप ING फॉर्म जोड़ते हैं, ठीक है। तो एंजॉय और अवॉइड ऐसी वर्ब हैं जिसमें हम ING फॉर्म जोड़ते हैं, तो एंजॉय वर्ब लगी है और उसके साथ यहां पर ING फॉर्म भी लगी है, एंजॉय प्लेइंग, तो ये सेंटेंस अपने आप में पूरा है। लेकिन यहां पर फिर क्या आएगा, तो यहां पर जो वर्ड आएगा वो एक ऐसा वर्ड आएगा जो इन दोनों से रिलेटेड हो, क्योंकि वर्ब वाला पार्ट तो पूरा है, वर्ब में कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अब बॉयज एंड गर्ल्स के साथ हम देखिए, वर्ब चूंकि लगी हुई है तो डिसलाइक नहीं आ सकता, क्योंकि डिसलाइक अपने आप में एक वर्ब है, लाइक भी अपने आप में एक वर्ब है। बॉयज एंड गर्ल्स लाइक एंजॉय, डिसलाइक एंजॉय क्या होगा, ये तो कोई सेंस नहीं बनेगा, डिसलाइक एंजॉय या लाइक एंजॉय। इवन से सेंस बन सकता है, बॉयज एंड गर्ल्स इवन इंजॉय प्लेइंग विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट सही नहीं है कि लड़के और लड़कियां यहाँ तक कि एंजॉय करते हैं, इसका मतलब ये निकलेगा कि वो काफ़ी सारी चीज़ें एंजॉय करते हैं और बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ खेलना भी एंजॉय करते हैं, तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन यदि आप अलाइक लगाते हैं तो बॉयज एंड गर्ल्स अलाइक एंजॉय प्लेइंग विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब लड़के और लड़कियां दोनों, अलाइक का मतलब होता है बोथ, दोनों, ठीक है, लड़के और लड़कियां दोनों ही एंजॉय करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक के साथ खेलना, तो यहां पर अलाइक सही एकदम वर्ड है, अप्रोप्रिएट वर्ड है। अलाइक एक्चुअली एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, इसको आप बोल सकते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, जो कि एंड में आता है, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, द ब्रदर्स वर वेरी मच अलाइक, मतलब दोनों भाई लगभग एक जैसे थे। अलाइक का मतलब होता है जब हम हाई डिग्री बताते हैं सिमिलरिटी की, लेकिन अलाइक एज ए एडजेक्टिव वर्ब के बाद आता है, यहां पर आप देख सकते हैं वर्ब वर्ब के बाद इसको लगाया है, एंड में लगाया है, ठीक है, तो एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, ये एंड में आता है। इसको आप एडवर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं दे ड्रेस्ड अलाइक इन ब्लैक ट्राउजर्स, मतलब उन्होंने एक तरीके से ड्रेस किया हुआ था, दे ड्रेस्ड अलाइक, तो यहां पर एडवर्ब की तरह भी ये काम कर रहा है, यहां पर ये एडजेक्टिव की तरह काम कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर बॉयज एंड गर्ल्स के बाद इसको हम लगाएंगे, इसको हम यहां पर पहले नहीं लगाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे लाइक होता है तो ही इज लाइक यू, तो लाइक को मैंने यू से पहले लगाया, लेकिन अलाइक जो है ये या तो नाउन के बाद यहां पर लगेगा या नॉर्मली ये एंड में आता है वर्ब के बाद। इसका मतलब इसको हम सिमिलरिटी के लिए यूज करते हैं अलाइक को, और दो या दो से अधिक लोगों की जब हम सिमिलरिटी आपस में कंपेयर करते हैं कि भी दोनों एक जैसे हैं या वह तीनों एक जैसे हैं, तो उस सेंस में हम अलाइक का यूज करते हैं, ठीक है। लाइक में क्या होता है, लाइक में हम एक पर्सन या एक थिंग को किसी दूसरे पर्सन और थिंग के साथ कंपेयर करते हैं, जबकि अलाइक में दो या दो से अधिक चीज़ों को आपस में हम कंपेयर करते हैं, सिमिलरिटी बताते हैं, ठीक है। तो अलाइक यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, ये काफ़ी अच्छा ये सेंटेंस है। ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चन है। फिशर, फिशर क्या होता है, फिशर होता है एक्चुअली एक जो दरार होती है, जैसे दीवार में एक दरार पड़ जाती है, कहीं पर भी एक दरार होती है उसको हम फिशर बोलते हैं, और फिसर का जो इक्विवेलेंट वर्ड है वो है क्लीवेज, तो क्लीवेज यहां पर आपका सही आंसर होगा। बाकी ये जो वर्ड्स हैं जैसे एग्लूटिनेट, एग्लूटिनेट का मतलब एक्चुअली ये एग्लूटिनेट जो है ये ग्लू से बना है, ग्लू, ग्लू माने होता है गोंद, तो इसका मतलब होता है चिपकाना दो चीजों को आपस में, ठीक है। फिसर मतलब क्लीवेज, ब्लेंड, ब्लेंड में दो वर्ड होते हैं, एक BLEND जिसका मतलब होता है मिक्स करना, और एक ब्लेंड BLAND जिसका मतलब होता है फीका या टेस्टलेस, और एंड वाइन का मतलब होता है ट्विस्ट करना। तो यहां पर मैंने ये सारे वर्ड दिए हैं,
ब्लेंड का मतलब टेस्टलेस, एंटवाइन का मतलब ट्विस्ट, ब्लेंड का मतलब मिलाना, मिलाना, जैसे आपने एक एक इंस्ट्रूमेंट आता है ब्लेंडर, जिससे हम चीज़ों को मिलाते हैं, ब्लेंडर, ठीक है। एग्लूटिनेट मतलब फर्मली स्टिक, और फिसर का मतलब होता है क्लीवेज। तो इस तरीके से क्लीवेज फिसर का यहाँ पर सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिसर हो गया, अब आएगा आपका मॉर्बिट। मॉर्बिट मतलब बहुत ही घिनौना कोई भी चीज, अनप्लीजेंट, कोई भी चीज घिनौनी, ठीक है। तो इसके लिए जो सही सिनोनिम है, ग्रूसम हो सकता है मॉर्बिट का, मैकाबरे हो सकता है, घेस्टली हो सकता है। तो मॉर्बिट का सिनोनिम चाहिए, तो सिनोनिम तो हो जाएगा यहां पर घेस्टली, ठीक है। एनिमेटेड मतलब एकदम लाइवली या चीयरफुल, कोई भी व्यक्ति एनिमेटेड, जैसे एनिमेशन आप देखते होंगे, तो एनिमेशन बताते हैं, एनिमेशन में किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइवली और चीयरफुल फॉर्म में बताते हैं, तो एनिमेटेड का मतलब लाइवली या चीयरफुल। बायंट का मतलब भी ऑप्टिमिस्टिक होता है, चीयरफुल होता है, लाइवली होता है, फ्लोटिंग भी होता है बायंट का मतलब। जॉन्टी का मतलब भी लाइट हार्टेड, हंसी मजाक करने वाला, ये सारे मीनिंग्स होते हैं इसके। तो मॉर्बिट का घेस्टली यहाँ पर सही सिनोनिम है। ये एंटोनिम्स के क्वेश्चन हैं। अबेंस, अबेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को टेम्परेरली सस्पेंड कर देना, थोड़े समय के लिए रोक देना, अबेंस। तो चूंकि यहाँ पर आपको इसका एंटोनिम चाहिए, तो इसलिए अबेंस का एंटोनिम होगा कंटिन्यू करना, कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। बाकी डोरमेंसी, क्यूसेंस और लेटेंसी, ये तीनों वर्ड रिलेटेड हैं इनएक्टिवनेस से। कोई चीज़ यदि डोरमेंट है तो वो इनएक्टिव है, ठीक है। लेटेंसी मतलब हम बोलते हैं, लेटेंसी का मतलब होता है जो चीज़ छुपी हुई है, लेटेंट से ये वर्ड बना है, लेटेंसी। और क्यूसेंस का मतलब भी होता है आपका डोरमेंसी। तो ये तीनों तो ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड हैं, और कंटिन्यूएशन यहाँ पर इसका सही एंटोनिम होगा। कैलो का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सीधा साधा है, नायब है, जिसको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, जो जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, उसको हम बोलते हैं कैलो। तो इनएक्सपीरियंस इसका सिनोनिम होगा, जेजून इसका सिनोनिम होगा, और जुबिनाइल का मतलब थोड़ा सा अलग है। जुबिनाइल का मतलब है जैसे जुबिनाइल क्राइम्स होते हैं, किशोर से संबंधित, जो किशोर बच्चे होते हैं, टीनेजर जो बच्चे होते हैं, 13 से लेकर 19 साल तक के बच्चे, उनसे संबंधित कोई भी चीज़ है तो उसको हम बोलते हैं जुबिनाइल। लेकिन जुबेनाइल का मतलब इमेच्योर भी होता है या चाइल्डिश भी होता है, जुबेनाइल, ठीक है। तो कैलो का होगा यहां पर, लेकिन आपको यहां पर एंटोनिम चाहिए, तो एंटोनिम हो जाएगा सोफेस्टिकेटेड, सी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। गेट ऑन द नर्व्स, ये इडियम और फ्रेज आपको बताना है। गेट ऑन द नर्व्स का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा परेशान करना, इरिटेट करना। तो गेट ऑन द नर्व का हो जाएगा टू बी एन इरिटेंट, नाक में दम करना, टू बी एन इरिटेंट, ये इसका मतलब होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कीप अंडर वंस हैट, अपने हैट के अंदर किसी चीज को रखना, यानी किसी चीज को सीक्रेट रखना, टू कीप समथिंग अ सीक्रेट, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। शी हैड टू फोर प्रीवियस सोलो शोज। देखिए सोलो क्या होता है, सोलो का मतलब अकेले कोई भी प्रोग्राम को करना, गाना या डांस करना, सोलो परफॉर्मेंस होती है, शोज, ठीक है। तो इसमें शी के बारे में बता रहे हैं कि उसने चार प्रीवियस सोलो शो किए हैं, ठीक है, उसने अब तक चार सोलो शो किए हैं। तो अब तक किए हैं, तो इसमें एक तो हैज आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लग जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ आप क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म या तो आप हैज, हैव, हैड के फॉर्म में लगा सकते हैं, ठीक है। जो हैज होता हैज और हैव, वो हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी होता है। तो एक तो इसमें हैज आएगा, और हैज के साथ फिर मेन वर्ब चाहिए। तो मेन वर्ब के रूप में यहां पर या तो आप इस तरह के वर्ड लगा सकते हैं कि शी हैज डन, शी हैज अटेंडेड, शी हैज परफॉर्म्ड, या फिर इसके स्थान पर आप हैड लगा सकते हैं। हैड का मतलब भी वही होता है कि उसने किए हैं, या उसने अटेंड किए हैं, या उसने परफॉर्म किए हैं। तो हैज हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, और हैड हो जाएगा आपका मेन वर्ब, ठीक है। तो शी हैज हैड फोर प्रीवियस सोलो शोज, उसके अब तक, उसने अब तक चार सोलो शो किए हैं। तो अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, ये वाला जो ऑप्शन है, ये इसमें सही रहेगा, ये इसका सही आंसर होगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन भी उसी से मिलता जुलता है, मस्ट के साथ बी नहीं आएगा। मस्ट के साथ आप दो चीजें लगा सकते हैं। देखिए, मस्ट बी का मतलब होता है, एक तो आप प्रेजेंट टेंस में मस्ट के साथ बी लगा सकते हैं, और पास्ट टेंस में आप मस्ट हैव बीन बोलते हैं। जैसे यदि मैं बोलूं कि ही मस्ट बी अ डॉक्टर, तो इसका मतलब होगा वो जरूर वो डॉक्टर होगा। प्रेजेंट टेंस में मैं बोल रहा हूं ही मस्ट बी अ डॉक्टर, वह जरूर डॉक्टर होगा। यदि मैं बोलूं ही मस्ट बी 16, मतलब जरूर वो 16 साल का होगा। ही मस्ट बी अ मैनेजर, जरूर वह है मैनेजर होगा। अब इन्हीं सारे सेंटेंसेस को मैं पास्ट में कर देता हूं तो ये हो जाएंगे। जैसे यदि मैं बोलूं कि आई मस्ट हैव बीन 16 देन, मतलब मैं उस समय 16 साल का रहा होऊंगा, ये इसका मतलब निकलेगा। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, दैट मस्ट रियली डिफिकल्ट फॉर यू, मतलब वो चीज, दैट मतलब वो चीज आपके लिए जरूर डिफिकल्ट रही होगी। तो यहां पर इन प्लेस ऑफ बीइंग आप बोल सकते हैं मस्ट हैव बीन, दैट मस्ट हैव बीन रियली डिफिकल्ट फॉर यू। मस्ट के साथ हैज नहीं आएगा, इसके साथ हैव ही आता है, और बीन आएगा नहीं, मस्ट बीन नहीं होता, मस्ट बी होता है। या तो मस्ट बी लिखिए या मस्ट हैव बीन लिखिए। तो मस्ट बी प्रेजेंट में आएगा और मस्ट हैव बीन पास्ट में आता है। तो मस्ट तो यहां पर लगा ही है, तो मस्ट हैव बीन यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज डिलिबरेटली डिस्ट्रॉय समथिंग फॉर मिलिट्री एडवांटेज, किसी चीज को जानबूझकर डिस्ट्रॉय करना मिलिट्री एडवांटेज के लिए। डिलिबरेटली का मतलब होता है इंटेंशनली, पर्पसफुली, जानबूझकर। डिस्ट्रॉय मतलब उसको रोक देना, खत्म कर देना, बर्बाद करना, ठीक है, मिलिट्री एडवांटेज के लिए। तो इसके लिए जो सही वर्ड है वो है सेबोटाज। जैसे एक देश की, दो देश दुश्मन हैं आपस में, और एक दो देशों में टेलीकम्युनिकेशन है, वहाँ पर लाइन बिछी हुई है, और आप उससे संबंध ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, वो टेलीफोन जो लाइन है उसको आप ख़त्म बंद कर देंगे या उसको डिसरप्ट कर देंगे, ठीक है, डिसकंटिन्यू कर देंगे। तो उस सेंस में इसका हम यूज़ करते हैं सेबोटाज। सेबोटाज यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। डिवोशन का मतलब होता है कमिटमेंट, फिडेलिटी का मतलब होता है लॉयल्टी, ठीक है, वफादारी, और आर्डर का मतलब होता है पैशन, जुनून या एक्साइटमेंट। तो यहां पर मैंने ये चारों वर्ड दिए हैं, और यहां पर सही आंसर क्या होगा इसका, सेबोटाज इसका यहां पर सही आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द एरिया नियर और सराउंडिंग अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी प्लेस के पास का जो एरिया है जिसको हम नेबरहुड बोलते हैं, पड़ोस बोलते हैं, उसके लिए सही वर्ड है विसिनिटी। और इससे एक फ्रेज बनता है इन द विसिनिटी ऑफ, इन द विसिनिटी ऑफ मतलब हमारे पड़ोस में या किसी किसी जगह के पास, इन द विसिनिटी ऑफ समथिंग। तो यहां पर आपका आंसर होगा विसिनिटी। डिस्टेंट मतलब दूर, रिमूव मतलब हटा दिया, होराइजन हम बोलते हैं जहां पर, जैसे आप यदि एक मैदान में खड़े हो जाते हैं और दूर देखते हैं, तो एक जगह, एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर धरती और आसमान दोनों मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं होराइजन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। इलिसिट का मतलब होता है इलीगल, लेकिन यहां पर इसको एडवर्ब के फॉर्म में दिया है, तो ये इसमें सही स्पेलिंग है, ILLICITLY, ILLICITLY, इलिसिटली। ठीक है, एक होता है, दो होते हैं इसमें, एक होता है इलिसिट मतलब इलीगल, और एक होता है इलिसिट मतलब कोई इंफॉर्मेशन किसी से निकलवाना, इलिसिट, ELICIT। तो यहाँ पर सेकंड वाली जो स्पेलिंग है ILLICITLY, ये सही है इसमें। ब्रुटैलिटी, ब्रुटैलिटी मतलब निर्दयता या क्रुएलिटी। ब्रुटैलिटी की सही स्पेलिंग है BRUTALITY, ब्रुटैलिटी, ये सही स्पेलिंग है इसमें बी। नेक्स्ट हम देखते हैं पैराजम्बल का एक क्वेश्चन, और पूरी तरीके से ये लॉजिक पर आधारित होते हैं पैराजम्बल, और आपका इसमें लॉजिकल एप्टीट्यूड चेक किया जाता है। तो लॉजिकली यदि आप इनको अप्लाई करते हैं तो बहुत आसानी से इनको आप कर सकते हैं। देखिए, देन देयर केम, और फिर आया, ये इस तरह के सेंटेंसेस स्टोरी के या लिटरेचर में से बीच में से लिए जाते हैं। देन देयर केम, और उसके बाद फिर आया, क्या आया, फेंट रेज ऑफ प्रिमरोज। प्रिमरोज हम बोलते हैं, एक्चुअली प्रिमरोज एक फूल भी होता है,
और हल्का पीला जो कलर होता है उसको भी हम बोलते हैं फेंट रेज ऑफ पिम्बरोज। पिम्बरोज देखिए रेज कहाँ से निकलती है, रेज निकलती है लाइट से, ठीक है। तो पीले रंग की रेज निकली कहाँ से, लाइट से, तो लाइट इसमें यहाँ पर दिया है लाइट, तो ये सेंटेंस हो जाएगा फर्स्ट। देन देयर केम फेंट रेज ऑफ पिम्बरोज लाइट दैट चेंज्ड प्रेजेंटली टू गोल्डन। गोल्डन के साथ, गोल्डन क्या है, गोल्डन एक एडजेक्टिव है, गोल्डन सोने का बना हुआ, यानी यहां पर आपको एक नाउन चाहिए और नाउन है बार्स। बार्स मतलब सलाखें, ठीक है, या कोई छड़ होती है लोहे वगैरह उसको बोलते हैं, तो गोल्डन बार्स, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा सेकंड और ये बचा है तो ये हो जाएगा थर्ड। अब देखिए इसको भी कनेक्ट करते हैं, गोल्डन बार्स थ्रू विच द डॉन ग्लाइडेड आउट अक्रॉस द डेजर्ट। देखिए इस सेंटेंस का मतलब क्या है, ये लिटरेचर का एक सेंटेंस है, उसमें ये बोला जा रहा है, इसमें जो सुबह हो रही है, सुबह जिस तरीके से होती है उसका दृश्य इसमें बताया है। देन देयर केम फेंट रेज ऑफ प्रिमरोज लाइट, और उसके बाद हल्की हल्की फेंट राइज फेंट पीले रंग की किरणें निकली दैट चेंज प्रेजेंटली टू गोल्डन बार्स, जो जो सोने की बार्स में चेंज हो गई। ये कोई पॉइंट इसको लिख रहा है, ठीक है। थ्रू विच, जिसके बीच में से डॉन यानी सुबह, सुबह का जो सूरज होता है वो निकला। थ्रू विच द डॉन ग्लाइडेड आउट अक्रॉस द डेजर्ट, उस रेगिस्तान में सुबह का सूरज उसके बीच में से निकला। तो ये कहने का तरीका होता है, ये किसी कवि ने ये पंक्तियां बोली हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका हो जाएगा एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड इसमें आपका आंसर हो जाएगा एक्स वाई जेड, ठीक है। बी इसमें आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इट सीम्ड टू देम फॉर, एक्चुअली फार होगा ये, फार, इट सीम टू देम फार इजियर टू कंसीव। उनको ऐसा सोचना या ऐसा, कंसीव का मतलब है सोचना या मानना, उनको ऐसा सोचना या मानना काफी सरल लगा। इट सीम टू देम फार इजियर टू कंसीव, क्या चीज कंसीव करना या क्या चीज मानना उनको उनको सरल लगा। यहां पर आपको एक नाउन चाहिए या नाउन का इक्विवेलेंट चाहिए, तो नाउन का इक्विवेलेंट होता है नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज, और नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज स्टार्ट होता है दैट से, तो यहां से स्टार्ट हो सकता है ये। इट सीम टू देम फार इजियर टू कंसीव दैट द वॉटर हैड गॉन डाउन, ये मानना उनके लिए काफी आसान था कि पानी नीचे चला गया था, दैट द वॉटर हैड गॉन डाउन। देन, और उसके बाद क्या हुआ, देन दैट सॉलिड लैंड हैड रिजन, ठीक है। रिजन का मतलब ऊपर आना, और रिजन के साथ लॉजिकली हम वर्ड लगा सकते हैं अपवर्ड, दैट द सॉलिड लैंड हैड रिजन, रिजन ये हो जाएगा सेकेंड, रिजन अपवर्ड इन टू इट्स प्रेजेंट पोजिशन। ये सेंटेंस भी किसी एनालिसिस के बीच में से लिया है, तो इसमें भी आपका वही हो जाएगा एक्स वाई जेड ही इसमें आपका सही आंसर होगा, इसमें हो जाएगा फर्स्ट आपका, ठीक है। इट सीम टू देम फार इजियर टू कंसीव दैट द वॉटर हैड गॉन डाउन, ये मानना उनके लिए बहुत सरल था कि वाटर नीचे चला गया था, देन दैट सॉलिड लैंड हैड रिजन, उसके बाद सॉलिड लैंड ऊपर आई, अपवर्ड ऊपर की तरफ आई, और उसके बाद सॉलिड लैंड ऊपर आई अपनी प्रेजेंट पोजिशन में, ठीक है। तो इस तरीके से इनको इनको आपको कोरिलेट करना होता है, ए इसमें आपका सही आंसर होगा। ये एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन है, गोपाल रैन द मैराथन इन रिकॉर्ड टाइम। गोपाल है सब्जेक्ट, रैन है वर्ब, और मैराथन है इसमें ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका गोपाल रैन द मैराथन इन रिकॉर्ड टाइम, तो ये हो जाएगा गोपाल रैन द मैराथन, तो ये है आपका सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट, और ये है प्रपोजिशनल फ्रेज इन रिकॉर्ड टाइम। तो सेंटेंस आपका कहां से बनेगा, सेंटेंस रिकॉर्ड टाइम से स्टार्ट होगा या मैराथन से स्टार्ट होगा। देखिए एक्टिव पैसिव वॉइस में सेंटेंस हमेशा जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वहां से स्टार्ट होता है, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है ये मैराथन है, रिकॉर्ड टाइम इसमें प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है ये, तो मैराथन से सेंटेंस स्टार्ट होगा, और चूंकि रैन पास्ट टेंस है तो इसलिए इसमें वॉज या वर का प्रयोग होगा। इसमें वॉज या वर नहीं है, इसमें वॉज या वर नहीं है, इसमें वॉज या वर नहीं है, आपका आंसर होगा फर्स्ट, द मैराथन वॉज रन
बाय गोपाल इन रिकॉर्ड टाइम। रन जो है ये थर्ड फॉर्म है, रन रैन और रन, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ गई, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए। ये हैं आपके नरेशन के क्वेश्चंस। फादर सेज कश्मीर इज द हेवन ऑन अर्थ, तो चूंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्वेश्चन है तो चेंज नहीं होगा, इसका टेंस चेंज नहीं होगा, केवल दैट लग जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा फादर सेज दैट कश्मीर इज द हेवन ऑन अर्थ। ये इज का इज ही रहेगा, टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रिंसिपल वर्ब जो है ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में ये वर्ब चेंज नहीं होगी। यहां पर हो जाएगा सी, फादर सेज दैट कश्मीर इज द हेवन ऑन अर्थ। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ते हैं। एवरीवन एक्सपेक्टेड मैरी जोफर्स टू विन फॉर हर रेट्रो रिवाइवल टेक्निकलर क्लोथ्स इन लाला लैंड। देखिए लाला लैंड, जैसा कि मैंने पढ़ा है कहीं पर, लाला लैंड एक फिल्म का नाम है और इसके बारे में काफ़ी मैगजीन्स में और अखबारों में आया था कि एक अच्छी मूवी है और इसको काफ़ी सारे अवार्ड्स, इस बार ऑस्कर में काफ़ी सारे अवार्ड्स मिल सकते हैं, तो उसी की इसमें बात हो रही है। एवरी वन एक्सपेक्टेड मैरी जोफर्स टू विन फॉर हर, हर किसी को उम्मीद थी कि मैरी जोफर्स प्राइज जीतेगी रेट्रो रिवाइवल टेक्निकलर क्लोथ्स के लिए, लाला लैंड में उसका जो रोल है उसके लिए उसको अवार्ड मिलेगा। एवरी वन एक्सपेक्टेड मैरी जोफर्स टू विन फॉर हर रेट्रो रिवाइवल टेक्निकलर क्लोथ्स इन लाला लैंड द इवेंचुअल विनर, इवेंचुअल मतलब फाइनल विनर, तो हर कोई उम्मीद कर रहा था कि मैरी जोफर्स जो है इसको इसको अवार्ड मिलेगा अपने टेक्निकलर क्लोथ्स के लिए, लाला लैंड फिल्म में काम करने के लिए। देखिए रेट्रो रिवाइवल, रेट्रो का मतलब होता है कि जब पुराना फैशन नए तरीके से सामने आता है उसको हम बोलते हैं रेट्रो, रेट्रो रिवाइवल। टेक्निकलर मतलब काफ़ी ब्राइट कलर्स में, तो ये इसको क्या किया है यहाँ पर, इसको क्लोथ्स को मॉडिफाई करके कठिन बनाया गया है, डिफिकल्ट बनाया गया है। एवरी वन एक्सपेक्टेड मैरी जोफर्स टू विन फॉर हर रेट्रो रिवाइवल टेक्निकलर क्लोथ्स, क्लोथ्स मतलब नए फैशन के क्लोथ्स थे और वो काफ़ी ब्राइट कलर के क्लोथ्स थे, इस तरह के कलर्स उसने यूज़ किए हैं एक्ट्रेस ने, किस फिल्म में, लाला लैंड फिल्म में, और सारे लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये इवेंचुअल विनर बनेगी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, कॉलिन एटवुड फॉर फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम सीम्ड सरप्राइज टू, मतलब कॉलिन एटवुड कोई एक्टर हो सकता है ये, फॉर फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम, मतलब कॉलिन एटवुड जो है उसने इस फिल्म में काम किया होगा, फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम ये भी फिल्म का नाम हो सकता है। सीम्ड सरप्राइज टू मतलब इनको भी आश्चर्य हुआ, इनको क्या आश्चर्य हुआ कि लाला लैंड जो फिल्म है इसको अवार्ड क्यों नहीं मिला, ठीक है। बट एज अदर अवार्ड बिगेन टू स्लिप अवे फ्रॉम द वेल रिव्यूड म्यूजिकल अ थीम कुड बी टीज्ड आउट, लेकिन जैसे जैसे लाला लैंड के हाथ से दूसरे अवार्ड निकलते गए तो फिर ऐसा लगा कि इस म्यूजिकल फिल्म को अवार्ड नहीं मिलेंगे, इस बार का जो ट्रेंड है शायद थीम बेस्ड ट्रेंड है, किसी थीम बेस्ड मूवी को ये मिल सकता है। टीज आउट का मतलब होता है कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन निकालना या समझना, तो ऐसा समझा जा सकता है इससे कि थीम बेस्ड मूवी को अवार्ड मिलेगा, ठीक है। व्हाट इज फैंटास्टिक बीस्ट इफ नॉट ए प्ली फॉर इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पीपल, फैंटास्टिक बीस्ट जो मूवी है वो क्या है यदि वो इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पीपल के बारे में नहीं है, तो इसके अलावा क्या है, क्या वो म्यूजिकल है, मैजिकल और अदरवाइज, क्या वो मैजिकल है, क्या उसमें जादू टोना दिखाया गया है या कुछ और दिखाया गया है। देन अराइवल, अराइवल एक्चुअली एक फिल्म का नाम है, देन अराइवल अ फिल्म अबाउट द इनहेरेंट बेनाइनिटी ऑफ एलियंस, जो एलियंस होते हैं जो दूसरे ग्रह से आते हैं उसकी काइंडनेस के बारे में, बेनाइनिटी के बारे में अराइवल फिल्म में बताया गया है। देन अराइवल अ फिल्म अबाउट द इनहेरेंट बेनाइनिटी ऑफ एलियंस वन द बेस्ट साउंड एडिटिंग का अवार्ड अराइवल को मिला है, ठीक है। हैक्सॉ रिज विच इज इन ए वे एन एंटी गन मूवी वन इन टू कैटेगरी, इस मूवी को हैक्सॉ रिज को दो कैटेगरी में प्राइज मिला है। फैंस अबाउट एन अफ्रीकन अमेरिकन फादर हु फियर्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन टुक होम द ऑस्कर फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, फैंस को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है।
अर्लियर मूनलाइट फीचरिंग टू माइनर कम्युनिटीज, मूनलाइट में दो माइनर कम्युनिटीज के बारे में बताया गया था, ब्लैक एंड गे के बारे में, वन फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। मतलब इससे पहले मूनलाइट की जो एक्ट्रेस थी उसको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का इनाम मिला था। दिस टर्न आउट टू बी वन ऑफ दोज ईयर्स, मतलब इस साल का जो ईयर था ये प्रूव हुआ, टर्न आउट टू बी मतलब अल्टीमेटली ये प्रूव हुआ कैसा ईयर, दिस टर्न आउट टू बी वन ऑफ दोज ईयर्स द ऑस्कर वोटर वॉज अंडर एस्टिमेटेड। इस बार जो ऑस्कर वोटर्स थे, जिन्होंने वोट दिए थे किस फिल्म को अवार्ड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, उनको अंडर एस्टिमेट किया गया था क्योंकि लाला लैंड को अवार्ड नहीं मिला। ठीक है, एज ए मेजोरिटी ऑफ वोटर्स वर एक्टर्स, मेजोरिटी ऑफ जो वोटर्स थे वो एक्टर्स थे, उसके बावजूद भी लाला लैंड को अवार्ड नहीं मिला, इसका मतलब उनको अंडर एस्टिमेट किया गया, उनकी कीमत को कम समझा गया, उनके रोल को कम समझा गया। देयर वॉज द टेंडेंसी टू थिंक दे वुड रिवार्ड लाला लैंड। चूंकि काफी सारे वोटर्स एक्टर्स थे तो ये टेंडेंसी थी, ये विचार था कि लाला लैंड को अवार्ड मिलेंगे, लेकिन उनको नहीं मिला। अ सेलिब्रेशन ऑफ क्रिएशन, द हीरोइन वॉन्ट टू मेक मूवीज, द हीरो वॉन्ट टू मेक जैज, इट लुक लाइक द ईयर ऑफ आर्टिस्ट ऑल ओवर अगेन। ऐसा लगा कि इस बार थीम बेस्ड मूवीज को अवार्ड मिल रहे हैं, म्यूजिकल बेस्ड मूवी को नहीं मिल रहे हैं। तो ये इसका पूरा पूरा सेंस है। इसके क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, उसमें से काफी आंसर्स इसमें निकल आएंगे। कॉलीन एटवुड वन विच अवार्ड, कॉलीन एटवुड को कौन सा अवार्ड मिला है? कॉलिन एटवुड को मिला है, देख लेते हैं यहां पर, कॉलिन एटवुड फॉर फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम। कॉलिन एटवुड को अवार्ड मिला है फैंटास्टिक बीस्ट के लिए और वेयर टू फाइंड देम के लिए। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन फॉर फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम। कॉलिन एटवुड फॉर फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम सीम्ड सरप्राइज टू, बट एज अदर अवार्ड बिगेन टू स्लिप अवे फ्रॉम द वेल रिव्यूड म्यूजिकल थीम कुड बी टीज्ड, वॉट इज फैंटास्टिक बीस्ट इफ नॉट ए प्ली फॉर इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पीपल, मैजिकल और अदरवाइज। तो कौन सा अवार्ड मिला है इसमें? कॉस्ट्यूम्स के लिए अवार्ड मिला है इसमें। इसमें यह मानना पड़ेगा कि क्योंकि यहां पर हम कॉस्ट्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपका आंसर होगा बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन फॉर फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम। क्योंकि लाला लैंड में भी जो एक्ट्रेस थी उसने रेट्रो रिवाइवल टेक्निकलर के क्लोथ्स पहने थे, लेकिन कॉलिन एटवुड को मिला है, इसका मतलब कॉस्ट्यूम की इसमें बात हो रही है। ठीक है, तो डी इसमें आपका आंसर होगा। ठीक है, 22 देखते हैं। व्हाट डज द लीड फीमेल एक्टर इन लाला लैंड वॉन्ट टू डू? तो इसमें एंड में देखिए क्या लिखा हुआ है कि यहां पर देखिए, द हीरोइन वॉन्ट्स टू मेक मूवी, इसकी जो हीरोइन है वो मूवीज बनाना चाहती है, अब फिल्मों में काम करना नहीं चाहती। द हीरोइन वॉन्ट्स टू मेक मूवीज एंड द हीरो वॉन्ट टू मेक जैज, तो इसमें हो जाएगा मेक मूवीज। वॉट डज द लीड फीमेल एक्टर इन लाला लैंड वॉन्ट टू डू? मेक मूवीज, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवी इज अबाउट काइंडनेस ऑफ एलियंस? काइंडनेस ऑफ एलियंस के बारे में कौन सी मूवी है? काइंडनेस ऑफ एलियंस के बारे में है द अराइवल, फिल्म अबाउट इनहीरेंट बेनाइनिटी ऑफ एलियंस, ये है इसका आंसर। इसका आंसर होगा अराइवल, इसका आंसर होगा अराइवल। जो मूवी है वो एलियंस की काइंडनेस के बारे में है। वाई वॉज इट एज्यूम्ड दैट लाला लैंड वुड विन अ लॉट ऑफ अवॉर्ड्स? ऐसा क्यों माना गया कि लाला लैंड सबसे ज्यादा अवार्ड जीतेगी? क्योंकि जो एक्टर्स थे वो वोटर्स थे, ठीक है, ये इसका आंसर है, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ वोटर्स आर एक्टर्स। नेक्स्ट देखते हैं, विच मूवी फॉर श्योर वन टू अवार्ड्स? दो अवार्ड्स किसको मिले थे? देखिए, दो अवार्ड की बात हो रही है इसमें, यहां पर हो रही थी कहीं पर दो अवार्ड की बात। फैंस अबाउट एन अफ्रीकन अमेरिकन हु फियर्स द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन टुक होम वन फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स। नहीं, इसमें यहाँ पर ये है, एक्चुअली ये है इसका आंसर, हैक्सो रिज, विच इज इन ए वे एन एंटी गन मूवी, वन इन टू कैटेगरीज। ठीक है,
हैक्सॉ रिज ने दो कैटेगरीज में इसको प्राइज मिले हैं, तो कम से कम दो प्राइज इसको मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, हैक्सॉ रिज, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, और इस तरीके से इनके आंसर्स देना है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके के पैसेज पूछे जाते हैं एसएससी एग्ज़ाम में। तो ये सेट 38 था, और कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर आप दे सकते हैं। कोई भी इरर आपको लगी हो, कोई भी गलत आंसर आपको लगा हो, तो ज़रूर उसको इंडिकेट करिए, बताइए। और कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर आप दे सकते हैं। इससे आगे की क्लासेस, आगे के वीडियो क्लासेस आपको जल्दी ही प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।